पुलिस ने रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। रायगढ़ में गंगा नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर वेद प्रकाश पटेल की बेटी को रांची के मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर बिहार के युवक ने 26 लाख की ठगी की। आरोपियों ने 3 किश्तों में डॉक्टर से रकम ली, लेकिन रणनीति के तहत 4थी किश्त लेते समय पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। युवक का नाम सुयश चटर्जी है, जो कोलकाता का रहने वाला है। युवक के अन्य साथियों की तलाश में पुलिस की 2 टीमें रांची रवाना हुई है। आरथी के द्वारा जब बताया गया था कि उनके द्वारा ऑलरेडी करीब 26 लाख रुपए उनके द्वारा ठगी कर दिया गया है और कुछ रकम शेष है, जिसमें 4 लाख रुपए और उनको आगामी अगले किस्त में देना था। उन्होंने थाने में आके कंप्लेन कराया। कंप्लेन पश्चात इसमें FIR लेने के बाद अलग अलग लोकेशन पे टीमें रवाना हुई। इसे पता चला कि प्रार्थी के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें सही है, कहीं ना कहीं इसमें धोखाधड़ी किया गया है। इस पर से उसको ट्रैप करते हुए इसको फिर जो आरोपी है, जिनको पैसा 4 लाख रुपए और अभी शेष रकम लेना था, उनको रायगढ़ बुलाया गया था गंगा नर्सिंग होम में और उनको वहां ट्रैप करके फिर कब्जे से 1 लाख रुपए और 3 मोबाइल उनकी जब्ती की गई है। मुख्य आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ।